हमारे हिंदू शास्त्रों में वैसे तो कई प्रेम कहानियों का वर्णन मिलता है, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण और राधा का हो, चाहे अर्जुन और सुभद्रा का हो, ऐसे कई प्रेम कहानियों का वर्णन मिलता है। लेकिन महाभारत के एक पात्र ऐसे भी हैं जिनकी प्रेम कथा के बारे में कोई नहीं जानता है, जबकि दो दिलों का ये प्रेम कई युगों से चलता आ रहा है। तो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कथा के साथ। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें और वीडियो को लाइक भी करें। साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। ये कथा है भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई शेषनाग के अवतार माने जाने वाले भगवान बलराम की और उनकी पत्नी रेवती की। कथा के अनुसार बलराम और रेवती के बीच सतयुग में प्रेम हुआ, लेकिन दोनों का मिलन द्वापर युग में आकर हुआ। गर्ग संहिता के अनुसार रेवती पिछले जन्म में पृथ्वी के राजा मनु की बेटी थी, जिसका नाम ज्योतिषमती था। एक बार मनु ने बेटी से पूछा कि उसे कैसा वर चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जो इस धरती पे सबसे शक्तिशाली हो वो उसी से विवाह करेंगी। मनु ने इंद्र से सवाल किया तो इंद्र ने वायु को सबसे ताकतवर बताया, परंतु वायु ने पर्वत को ज़्यादा शक्तिशाली बताया और पर्वत ने पृथ्वी को अधिक शक्तिशाली बताया। आखिर में धरती ने शेषनाग को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बताया। तब ज्योतिषमती ने शेषनाग को पति के रूप में पाने के लिए ब्रह्मा की तपस्या किया और ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि द्वापर में दोनों की शादी होगी। ज्योतिषमती ने अपने अगले जन्म में महाराज रेवतक के पुत्री के रूप में जन्म लिया। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में पृथ्वी पर एक रेवतक नाम के सम्राट राजा हुआ करते थे, जिनकी पुत्री का नाम राजकुमारी रेवती था। महाराज रेवतक ने अपनी पुत्री रेवती को हर प्रकार की शिक्षा दिलवाई। कहा जाता है कि जब रेवती विवाह के योग्य हुई तो उनके पिता रेवतक ने उनके विवाह के लिए पृथ्वी पर योग्य वर की तलाश किया, लेकिन महाराज को उस समय पृथ्वी लोक पर रेवती के लिए कोई भी योग्य वर नहीं मिला, जिससे महाराज रेवतक चिंतित हो गए। लेकिन महाराज रेवतक ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी पुत्री रेवती के लिए वर तलाश में ब्रह्मलोक जाने का निश्चय किया, ताकि वह स्वयं ब्रह्मा जी से रेवती के वर के बारे में पता कर सके। इसके बाद महाराज रेवतक अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान कर चुके। जब महाराज रेवतक ब्रह्मलोक पहुँचे तो उस समय वहाँ वेदों का गान चल रहा था, इसलिए वह वहाँ कुछ समय के लिए रुक गए और समय बीतता गया। वेदों का पाठ खत्म हुआ तो महाराज रेवतक ने ब्रह्मा जी के समक्ष अपनी बात रखी और सब कुछ विस्तार में बताया। जब ब्रह्मा जी ने महाराज की व्यथा सुनी तो मुस्कुराने लगे और बोले, आप पृथ्वी लोक को वापस लौट जाइए, वहाँ पर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम आपकी रेवती पुत्री से विवाह के योग्य हैं। रेवती के लिए योग्य शेषनाग के अवतार बलराम जैसा वर पाकर महाराज रेवतक बेहद प्रसन्न हुए और रेवती को लेकर वापिस भूलोक को चले गए। लेकिन पृथ्वी पर पहुंचकर मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु छोटे आकार को देखकर वे दोनों आश्चर्यचकित हो गए। कुछ देर वे यही सोचते रहे कि ये कैसे हुआ। उस समय उन्होंने वहां मौजूद मनुष्यों से वार्तालाप की और उन्हें पता चला कि ये द्वापर युग चल रहा है। ये सब सुनकर वे घबरा गए और श्री कृष्ण के भाई बलराम के पास गए और उन्हें ब्रह्मा जी द्वारा कही गई बातों के बारे में बताया। महाराज रेवतक की बात सुनकर बलराम जी मुस्कुराए और महाराज से बोले, जब तक आप ब्रह्मलोक से लौटे हैं तब तक पृथ्वी पर दो युग बीत चुके हैं, इस समय पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको छोटे आकार के लोग दिखने को मिल रहे हैं। क्योंकि महाराज रेवतक अपनी पुत्री की लंबाई को लेकर चिंतित थे, इसीलिए उन्होंने बलराम से कहा कि जब तक रेवती आपसे लंबी है तब तक आप दोनों का विवाह कैसे संभव होगा। ये सुनते ही बलराम जी ने रेवती को अपने हल से नीचे की ओर दबाया। ऐसा करने से रेवती का कद छोटा हो गया। रेवती के पिता यह दृश्य देखकर बेहद प्रसन्न हुए तथा रेवती और बलराम को विवाह के पवित्र बंधन में बांधकर स्वयं संन्यास लेकर हिमालय की ओर चली गई। बाद में बलराम और रेवती प्रेम पूर्वक पृथ्वी पर मौजूद रहे। तो दोस्तों, आपने जाना एक ऐसे प्रेम कथा के बारे में जिससे आप इस समय परिचित नहीं थे।
ये कथा थी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप इस कथा को पहले नहीं जानते थे तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।